नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति की भारी जीत। देश के 5 राज्यों के लिए हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि कांग्रेस ताकत बनकर उभरी है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीन ली है। उसे राज्य में 2/3 बहुमत मिल गया है। कांग्रेस राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने तेलंगाना में सत्ता में वापसी की है, जबकि मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है। मिजो नेशनल फ्रंट के प्रमुख जोराम थांगा ने नई सरकार बनाने का दावा किया है। 90 सदस्यों की छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभी परिणाम प्राप्त हो गए हैं। कांग्रेस ने 68 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 16 सीटें आई हैं। बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटों पर कामयाबी मिली है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी को 4 सीटें मिली हैं। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राजनंदगांव सीट जीत ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल पाटन सीट से चुनाव जीत गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता अजीत जोगी मारवाही सीट से चुनाव जीत गए हैं। 200 सदस्यों की राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस 99 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें मिली हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 6 सीटें और राष्ट्रीय लोकदल ने 1 सीट जीती है। 13 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। अन्य की झोली में 7 सीटें गई हैं। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की मृत्यु के कारण रामगढ़ सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरा पाटन सीट से चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मानवेंद्र सिंह को हराया। श्री सिंह ने चुनाव से कुछ ही पहले भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया था। राज्य विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा उम्मीदवार कैलाश चंद्र मेघवाल शाहपुरा आरक्षित सीट से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और कांग्रेस उम्मीदवार महावीर प्रसाद को 56,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट टोंक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार यूनुस खान को 54,000 से अधिक वोटों से हराया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत सरदारपुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत गए हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 229 के नतीजे मिल गए हैं। भाजपा को 109 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस ने 114 सीटें जीती हैं और 1 सीट पर आगे है। बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटों पर कामयाबी मिली है। 4 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से चुनाव जीत गए हैं। विपक्ष के नेता और कांग्रेस उम्मीदवार अजय सिंह चुरहट से चुनाव हार गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पुत्र राज्यवर्धन सिंह राघोपुर सीट से चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार सरताज सिंह होशंगाबाद सीट से चुनाव हार गए हैं। ये सीट भाजपा नेता और विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा ने जीती है। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 119 सदस्यों की राज्य विधानसभा में पार्टी को 88 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस ने 19 और एआईएमआईएम को 7 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 1 और तेलुगु देशम पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 51,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने गजवेल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप रेड्डी को हराया। टीआरएस के वरिष्ठ नेता हरीश राव को सिद्धिपेट सीट पर 1,20,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल हुई है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तेलंगाना जन समिति के भवानी रेड्डी को हराया। गोशामहल सीट से भारतीय जनता पार्टी के राजा सिंह जीत गए हैं। मिजोरम में सभी 40 सीटों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। मिजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटें जीती हैं और उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। कांग्रेस ने 5 और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। 8 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। मुख्यमंत्री लंथन हाला
दोनों सीटों से चुनाव हार गये हैं। श्री ललथनहावला सिरचिप सीट से भी चुनाव हार गये हैं। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार लल्दू होमा चुनाव जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस को बधाई दी है। श्री मोदी ने तेलंगाना में प्रबल विजय के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव और मिजोरम में प्रभावशाली विजय के लिए मिजो नेशनल फ्रंट को भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कई ट्वीट करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी विनम्रता के साथ जनादेश स्वीकार करती है। उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों को भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन राज्यों में भाजपा सरकारों ने लोगों के कल्याण के लिए अथक कार्य किए हैं। कश्मीर घाटी में हो रही बर्फबारी और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की औसत कमी दर्ज की गई है। दिन का सामान्य तापमान भी नीचे गिरा है। ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरा और धुंध का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। कोहरे के कारण पूर्व मध्य रेल ने 13 दिसंबर से 15 जनवरी तक कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है, जबकि कई ट्रेनों के परिचालन मार्ग में परिवर्तन किया गया है। आज पटना दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस अप और डाउन दोनों मार्गों पर रद्द रहेगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना सहित राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में शाम और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश के किसानों को पटवन के लिए कैंप लगाकर बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। ये कैंप हर बुधवार को प्रखंड मुख्यालय में लगाया जाएगा। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी बिजली कनेक्शन देने के लिए कैंप की शुरुआत आज से कर रही है, जो अगले वर्ष फरवरी महीने तक हर बुधवार को लगाया जाएगा। कंपनी के सूत्रों ने बताया कि किसान कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। भवन निर्माण विभाग की योजनाओं की निगरानी और गुणवत्ता की जांच के लिए धावा दल गठित किया जाएगा। इस दल में कार्यपालक और सहायक अभियंता को शामिल किया जाएगा। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले गए कूच बिहार क्रिकेट मुकाबले में बिहार ने मिजोरम को 1 पारी और 95 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही बिहार 14 अंक लेकर पूल तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन थाना क्षेत्र के सखरा गांव में से पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 5,280 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। पश्चिम चंपारण जिले की त्वरित अदालत ने दहेज की मांग को लेकर एक महिला की हत्या करने के आरोप में पति और ससुर को 7 वर्ष की सजा सुनाई है। पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा बाजार स्थित फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से चोरी किए गए लगभग 18 लाख रुपयों को बरामद कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने इसकी पुष्टि की है। राजधानी दिल्ली की एक दुकान से 12 लाख रुपए की चोरी कर फरार हुए कर्मचारी को मुजफ्फरपुर जिले में नगर थाना क्षेत्र के मनियारी से गिरफ्तार कर लिया गया। पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के भटकाव गांव में नाला में गिरने से एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, कांग्रेस की जबरदस्त वापसी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भाजपा से छीना, मध्य प्रदेश में भी आगे। दैनिक जागरण ने शीर्षक लगाया है, कांग्रेस को फूल, भाजपा को कांटे। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मोदी की नोटबंदी के बाद जनता की वोट बंदी। अखबारों ने चुनाव परिणाम से जुड़ी खबरों को अंदर के पन्नों पर भी प्रमुखता से छापा है। और अब अंत में मुख्य समाचार, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति की भारी जीत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति की फिर सरकार बनेगी। 5 राज्यों में सरकार गठन के प्रयास शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस,
तेलंगाना राष्ट्र समिति और मिजो नेशनल फ्रंट को जीत की बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं, छोटे कारोबारियों और किसानों को जीत का श्रेय दिया। असम में पंचायत चुनाव की मतगणना आज। प्रधानमंत्री मातृ और शिशु स्वास्थ्य के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए आज नई दिल्ली में चौथे भागीदारी मंच का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने म्यांमा को शांति प्रक्रिया और आर्थिक सुधार के काम में भारत का समर्थन दोहराया। और हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज अर्जेंटीना का मैच इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया का सामना फ्रांस से। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीन ली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनी है, जबकि मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने तेलंगाना में फिर सत्ता हासिल की। 90 सदस्यों की छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने 68 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। भाजपा ने 15, बहुजन समाज पार्टी ने 2 और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी ने 5 सीटें जीती। 200 सदस्यों की राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस 99 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जबकि भाजपा को 73 सीटें मिली हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 6 और राष्ट्रीय लोकदल ने 1 सीट जीती है। 13 सीटों पर निर्दलीय विजयी रहे, जबकि 7 सीटें अन्य के खाते में गईं। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से भाजपा को 109 सीटें जबकि कांग्रेस को 114 सीटें मिली हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 2, समाजवादी पार्टी ने 1 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 4 सीटें जीती। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 119 सदस्यों की राज्य विधानसभा में पार्टी ने 88, कांग्रेस ने 19 और एआईएमआईएम ने 7 सीटें जीती। भाजपा को 1 और तेलुगु देशम पार्टी को 2 सीटें मिली। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटें जीती हैं और उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। कांग्रेस ने 5, भाजपा ने 1 तथा निर्दलीय उम्मीदवारों ने 8 सीटें जीती। इस बीच 5 राज्यों में सरकार गठन के प्रयास शुरू हो गए हैं। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ के अध्यक्ष जोरामथंगा ने सरकार बनाने का दावा किया है। राजधानी आइजोल में पार्टी मुख्यालय में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में श्री जोरामथंगा को विधायक दल का नेता चुना गया। ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। मिजो नेशनल फ्रंट के कार्यकर्ता और समर्थकों ने शानदार जीत का जश्न कल देर शाम तक मनाया। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों ने आइजोल में पार्टी कार्यालय और अन्य शहरों में भी खुशियां मनाई। दूसरी तरफ कांग्रेस की हार पर मुख्यमंत्री ललथन हौला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे इन परिणामों से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष की ताकत का सही आकलन नहीं कर पाए। आइजोल से आयरन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज हैदराबाद में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। तेलंगाना में भारी बहुमत से वापसी के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति की दूसरी पारी विधिवत शुरू होने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने कल रात हैदराबाद में राज्यपाल से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने सरकार गठन के बारे में राज्यपाल के साथ विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री और मौजूदा मंत्रियों का नई मंत्रिपरिषद में शपथ लेना केवल एक औपचारिकता है, फिर भी चुनाव हार जाने वाले कुछ मंत्रियों के स्थान पर नए चेहरे शामिल किए जाने की संभावना है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपनी पराजय के कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं। हैदराबाद से लक्ष्मी के साथ समाचार कक्ष से मैं राजेश पांडे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी में है। रणनीति तय करने के लिए आज सुबह पार्टी विधायक दल की बैठक होगी। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने त्याग पत्र दे दिया है। राज्यपाल कल्याण सिंह ने उनका त्याग पत्र स्वीकार कर उन्हें अगली सरकार बनने तक पद पर बने रहने को कहा है। 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष बीजेपी के कैलाश चंद्र मेघवाल ने भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा सुरक्षित सीट से सबसे ज्यादा 74,542 वोटों से जीत हासिल की। वहीं सबसे छोटी जीत भी भीलवाड़ा जिले में ही आसीन सीट पर रही, जहां भाजपा उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार को महज 154 मतों से हराया। जितेंद्र द्विवेदी के साथ सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश के ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 3 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पारंपरिक बुधनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उनके एक दर्जन से ज्यादा मंत्री चुनाव हार गए हैं।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि चुनाव परिणाम मध्य प्रदेश में लोगों की बदलाव की इच्छा को दर्शाते हैं, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने विश्वास जताया कि पार्टी राज्य में सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। उधर पहले के अनुभवों से सबक लेते हुए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल से समय मांगा है। पार्टी ने कल ईमेल और फैक्स भेजकर राजभवन से समय देने की मांग की। वहीं राजभवन के सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग से स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही राज्यपाल राजनीतिक दलों से मिलेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस को बधाई दी है। श्री मोदी ने तेलंगाना में जबरदस्त जीत के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव और मिजोरम में प्रभावशाली विजय के लिए मिजो नेशनल फ्रंट को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विनम्रता के साथ जनादेश स्वीकार करती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनावों के नतीजों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं, छोटे कारोबारियों और किसानों की जीत बताया है। कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस पार्टी पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और पार्टी इन राज्यों को नई दिशा देगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि विधानसभा चुनाव परिणाम भाजपा की अपेक्षा के अनुसार नहीं आए और अब नतीजों का विश्लेषण करने का समय है। विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता एके एंटनी को मध्य प्रदेश में पार्टी का पर्यवेक्षक और मल्लिकार्जुन खड़गे को छत्तीसगढ़ का पर्यवेक्षक बनाया गया है। असम में आज पंचायत चुनाव की मतगणना हो रही है। दो चरणों में हुए चुनाव में 82% मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, वामदल और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनावों में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चौथे भागीदारी मंच का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को तेजी से लागू करने के लिए जानकारी और जवाबदेही बढ़ाना है। एक रिपोर्ट। सितंबर 2005 में शुरू हुए पार्टनर्स फोरम यानी भागीदारी मंच वैश्विक स्वास्थ्य भागीदारी का माध्यम है। इसका उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और किशोरों, बच्चों, नवजात शिशुओं और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है। दो दिन के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य मंत्रालय मातृ, नवजात और शिशु स्वास्थ्य साझेदारी PMNCH के सहयोग से कर रहा है। इसमें 85 देशों के लगभग 1500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। भारत इस सम्मेलन का आयोजन दूसरी बार कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने म्यांमा को शांति प्रक्रिया, राष्ट्रीय सामंजस्य और आर्थिक सुधार के प्रयासों में भारत का समर्थन दोहराया है। कल नेपीथौ में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति कोविंद ने म्यांमार द्वारा शांति और स्थिरता तथा आर्थिक सुधारों के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। आज राष्ट्रपति एक कृषि शोध संस्थान और चावल के उत्पादन से संबंधित एक बायोपार्क जाएंगे। दोनों ही परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। इसके बाद वो यंगून पहुंचेंगे, जहां उनके सम्मान में एक नागरिक समारोह आयोजित किया गया है। म्यांमार में भारतीय मूल के लोगों की आबादी लगभग 20 लाख है, जो दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। भारत को उम्मीद है कि म्यांमार के वर्तमान नेतृत्व में दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, आपदा राहत और विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में संबंध सामरिक रूप अख्तियार करेंगे। अंशुमान मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, नेपीताओ। नेपाल में आज ऐतिहासिक शहर जनकपुर में विवाह पंचमी मनाई जा रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान राम और देवी सीता का विवाह हुआ था। इस अवसर पर भारत और नेपाल के लाखों श्रद्धालु जनकपुर पहुंच रहे हैं। भगवान राम और सीता माता के विवाह के महापर्व के लिए पूरे जनकपुर धाम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जगह जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। जनकपुर पहुंचने के बाद वे सीधे प्रसिद्ध जानकी मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही वे मिथिला सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और साधुओं के साथ भोज करेंगे। दोपहर बाद योगी आदित्यनाथ 12 बीघा मैदान में होने वाले सीता स्वयंवर और विवाह समारोह में शामिल होंगे। विवाह पंचमी का पर्व भारत और नेपाल की जनता के बीच युगों पुराने घनिष्ठ सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाता है। राजकुमार, आकाशवाणी समाचार, जनकपुर, नेपाल। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी दंत चिकित्सा कॉलेजों और नर्सिंग संस्थानों के नियंत्रण के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस विश्वविद्यालय का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाएगा। यह निर्णय कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप में आज क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे। शाम 4:45 पर अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। शाम 7 ऑस्ट्रेलिया का मैच फ्रांस से होगा। भारत कल शाम 4:45 पर नीदरलैंड से खेलेगा। शाम 7 जर्मनी का सामना बेल्जियम से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद विशाल। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, भाजपा का विजय थमा, कांग्रेस को मिली संजीवनी। छत्तीसगढ़ राजस्थान में कांग्रेस ने छीनी सत्ता, मध्य प्रदेश में मुकाबला बराबरी पर। दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं, 2019 के सेमीफाइनल में भाजपा को झटका, गढ़ छीना, राज गया, मध्य में अटकी गाड़ी। कांग्रेस को फूल, भाजपा को कांटे, शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है, मोदी के सामने ज्यादा मजबूती से खड़े हो पाएंगे राहुल। एग्जिट पोल्स, आधी हकीकत आधा फसाना, शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, 5 में 28 राज्यों में करीब 350 एग्जिट पोल सीटों की सही संख्या बताने में 60% गलत साबित। रिजर्व बैंक के नए गवर्नर शक्तिकांत दास की नियुक्ति को भी अखबारों ने पहले पृष्ठ पर जगह दी है। इकोनॉमिक टाइम्स की सुर्खी है, दास को बहाल करनी होगी आरबीआई की साख, सरकार के साथ रिश्ते सुधारना होगी पहली चुनौती। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री का ये बयान कि देश हित में संसद सत्र को सार्थक बनाया जाए, हिंदुस्तान में है। दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने और उसके साथ सामाजिक भेदभाव पर उच्चतम न्यायालय की सख्त टिप्पणी को अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मौत के बाद भी उजागर न हो रेप पीड़िता की पहचान। शादी समारोह में मेहमान और भोजन की सीमा तय करेगी दिल्ली सरकार, अमर उजाला ने इसे बॉक्स में दिया है। पत्र लिखता है, केजरीवाल सरकार ने इस बारे में नीति बनाए जाने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी ताकि भोजन की ना हो बर्बादी। फील द जेल, 500 में तिहाड़ जेल में बिताएं रात, इस खबर को नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में दिया है। पत्र लिखता है, जेल का अनुभव दिलाने के लिए तिहाड़ प्रशासन कर रहा है तैयारी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीन ली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति की तेलंगाना में फिर सरकार बनेगी। 5 राज्यों में सरकार गठन के प्रयास शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति और मिजो नेशनल फ्रंट को जीत की बधाई दी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं, छोटे कारोबारियों और किसानों को जीत का श्रेय दिया है। असम में पंचायत चुनाव की मतगणना आज हो रही है। प्रधानमंत्री मातृ और शिशु स्वास्थ्य के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए आज नई दिल्ली में 4th भागीदारी मंच का उद्घाटन करेंगे। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने म्यांमार को शांति प्रक्रिया और आर्थिक सुधार के काम में भारत का समर्थन दोहराया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।